ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही दोनों राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शेर सिंह गड़िया ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनके समर्थित सदस्यों का अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग वाहनों में बिठाकर भाजपा समर्थित सदस्यों को अज्ञात स्थानों पर ले जा रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष शेर सिंह गड़िया ने कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण के उस आरोप का भी खंडन किया है जिसमें उन्होंने भाजपा पर जिला पंचायत सदस्यों को उठाने का आरोप लगाया था। इधर कांग्रेस ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को उसकी निश्चित हार करार दिया है। बागेश्वर जिले में अभी पूरे जिला पंचायत और तीनों क्षेत्र पंचायत में नामांकन की प्रक्रिया कल संपन्न हुई है, लेकिन आज प्रातः हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि कांग्रेस के कतिपय नेताओं के द्वारा बागेश्वर विकास खंड के नवनिर्वाचित सम्मानित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का जबरदस्ती उनको गाड़ी में बिठा करके जिले से बाहर ले जाया जा रहा है और बागेश्वर के जो टीआरसी है टीआरसी में उनको इकट्ठा करके और जबरदस्ती उनको पार्टी विशेष वर्ग के प्रत्याशी के लिए वोट देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बात की शिकायत मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे गई और मैंने इस बागेश्वर के जो स्थानीय एसओचओ हैं पुलिस के उनको शिकायत करी भाई आप टीआरसी में जाएं और वहाँ जो ये प्रकरण है उसका जानकारी लें। तो अभी तक मेरे संज्ञान में कोई प्रगति नहीं आई है और मुझे लगता है कि इसमें हाईकोर्ट का भी जो डायरेक्शन है उसका भी पालन हमारे अधिकारियों के द्वारा जो निर्वाचन में लगे हैं स्वतः संज्ञान इसको लेना चाहिए। और दूसरा जो है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार के द्वारा भी बहुत सख्त निर्देश हैं कि कहीं पर भी इस प्रकार की घटना होती है तो तत्काल जो है वहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज करके उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो कल कुछ कांग्रेस के मित्रों के द्वारा ये भी कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट बता दूं कि हमारे कांग्रेस के जो एक माननीय पूर्व विधायक जी के द्वारा एक आरोप कल लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जो हैं दो वर्ष के बच्चे को भी अभी नहीं छोड़ रहे हैं, घर में जाकर के लोगों को ला रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। हमने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अवांछनीय कार्य न करे, क्योंकि हम स्पष्ट और पारदर्शितापूर्ण जो चुनाव है उसको संपन्न कराना चाहते हैं अपने जिले में। और हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से हमारे कार्यालय में, हम स्वयं यहाँ बागेश्वर में हैं, किसी प्रकार का कहीं भी किसी सदस्य को ले जाने का प्रयास हमारे द्वारा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस का आरोप है वो झूठा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि गरुड़ विकास खंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख का चुना जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस की जमीन इस जिले से खिसक रही है और उन्होंने प्रत्याशी तक खड़ा नहीं कर पाया। और अब एक प्रकार से अपनी लाज को बचाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो बात है वो कपोल कल्पना का आरोप जो है झूठा आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगा। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।